कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव से स्टार्ट करते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव इज नथिंग बट अ वेव विच इज कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम। अब जब इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ रहे थे, अब मैं बार बार इसमें क्या बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट अगर तुमको नहीं समझे, आज बहुत से स्टूडेंट नए आए हैं, तो YouTube पे मेरा वीडियो है, पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो है, स्टार्ट से एंड तक है, वो देख लेना अच्छे से। वो देखने देखोगे वो समझोगे, तो यही ये पार्ट आगे का समझेगा। तो बेसिकली हम ये चैप्टर में कौन सी वेव के बारे में पढ़ने वाले थे, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, द नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव बोथ आर प्रोग्रेसिव वेव। ये दोनों को हम प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे, बट कब बोलेंगे, व्हेन अ वेव विच इज ट्रेवलिंग कंटिन्यूअसली। अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव हो या ट्रांसवर्स वेव, अगर वो कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग कर रही है इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है, इन द सेम मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है, सिर्फ वो एयर में है तो एयर में ही दूर तक चले जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो दैट इज नथिंग बट प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेस का मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस वेव इज मूविंग फॉरवर्ड, ये वेव आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है। तो प्रोग्रेसिव वेव मतलब अ वेव विच इज कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम। सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम में अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक सिमुलेशन मैं तुमको बार बार दिखाता हूँ। ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे सिमुलेशन दिख रहा है, ये वेव कंटिन्यूअसली मूव कर रही है क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में? तो अगर ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस इज योर प्रोग्रेसिव वेव। ये क्या है, प्रोग्रेसिव वेव है। देख लेते हैं ये आगे बढ़ रही है क्या। तो जब अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो ये पॉइंट देखो, ये आगे बढ़ रहा है वेव का, दिस पॉइंट इज मूविंग फॉरवर्ड। फिर देखो ये डिस्टरबेंस इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो इफ दिस डिस्टरबेंस इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स वेव इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेव हमेशा आगे की तरफ जा रही है, और ये ओपन एंड है, ये एंड क्या है, ओपन है, वो बाहर की तरफ चले जा रही है, वेव रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ रही है। तो ये वेव एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअस ट्रेवल कर रही है, और ये वेव एग्जाम्पल है किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। क्योंकि यहाँ पे ये जो एलिवेटेड पार्ट है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और ये जो डिप्रीटेड पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो ये क्रस्ट और ये ट्रफ, ये क्रस्ट और ट्रफ कब बनता है, ट्रांसवर्स वेव में बनता है। तो ये आगे बढ़ रहे क्या, दिख रहे तुम लोग को आगे बढ़ते हुए क्रस्ट और ट्रफ? तो ये क्रस्ट और ये ट्रफ अगर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज प्रोग्रेसिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस वेव इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये वेव कैसे जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। दिस इज नथिंग बट योर प्रोग्रेसिव वेव, अ वेव विच इज कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन, दिस वेव इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। लॉन्जिट्यूडनल मतलब साउंड वेव, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो म्यूजिक सिस्टम दिया, साउंड वेव यहाँ से ट्रेवल कर रही है। इफ इट इज कंटिन्यूअसली इमिटिंग द साउंड, अगर ये कंटिन्यूअसली साउंड एमिट कर रहे और वो दूसरे एंड पे क्या है, ऑब्जर्वर है, वो साउंड सुन रहे है, तो ये वेव कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, साउंड वेव एक ही डायरेक्शन में, एंड साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव कंटिन्यूअसली मूव कर रही है तो उसको हम प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे।
अगर ट्रांसवर्स वेव है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है तो उसको भी हम क्या बोलने वाले हैं, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव मतलब अ वेव विच इज कंटिन्यूअसली मूविंग। और कौन सी वेव है ये? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव में क्या है, ईच फर्स्ट प्रॉपर्टी, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट दियर मीन पोजिशंस परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यह है फर्स्ट, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। हर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो रहा है, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और दे आर मूविंग अबाउट देयर मीन पोजिशन। अभी इसको वेव जब स्टार्ट नहीं हुई थी तो ये जो पोजिशन है, दिस पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर मीन पोजिशन। इफ अ वेव इज नॉट सेट इन अ मीडियम पार्टिकल्स विल बी एट रेस्ट एंड दिस पॉइंट ऑफ रेस्ट एंड दिस पोजिशन ऑफ रेस्टिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज मीन पोजिशन। Now, when we will set the wave into this medium, क्या किए, वेव को सेट कर दिए। जब वेव को सेट कर दिए मीडियम में तो ये क्या हुआ, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करने लगा, और ये डिस्टर्बेंस इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिस्टर्बेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये जो ग्रीन पार्टिकल है इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये इनिशियली कहां पे था, मीन पोजिशन पे था। मीन पोजिशन मतलब ये पोजिशन, दिस इज द पोजिशन ऑफ द ग्रीन पार्टिकल बिफोर सेटिंग द वेव इनटू दिस रोप। तो जब ये स्टार्ट हो गया तो ये क्या किया, मीन पोजिशन से ऊपर गया, फिर रिटर्न आया नीचे मीन पोजिशन से, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो ये जो अप एंड डाउन है यही सेम टाइप का मोशन ये थ्रू आउट द प्रोग्रेसिव वेव, जब तक ये वेव ट्रेवल करते रहेगी मीडियम में ये पार्टिकल ऐसे ही वाइब्रेट होते रहेगा। और ये किसके अबाउट वाइब्रेट हो रहा है, अपने मीन पोजिशन से। मीन पोजिशन से अगर ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है तो ये मीन पोजिशन से 1 सेंटीमीटर नीचे भी आ रहा है। तो ये पार्टिकल एक्चुअली में कौन सा मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन मोशन। पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट होता है। कब ऑसिलेट होगा, जब वेव सेट होगी, और ये इट इज गोइंग टू ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजिशन। और ये सेम टाइप का मोशन क्या करने वाला है, रिपीट कर रहे हैं बार बार, कुछ अलग टाइप से मूव कर रहे हैं क्या बीच में कहीं, इट इज परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ मोशन। क्या कर रही है, सेम टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, SHM शॉर्ट फॉर्म में। दिस इज द वाइब्रेशन, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परफॉर्मिंग SHM। हर पार्टिकल मीडियम का क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। तो वही से फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला है, ईच पार्टिकल इन द मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या करते हैं ये, सिंपल हार्मोनिक, जो आप वाइब्रेशनल मोशन देखे ना, दैट वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल से S, हार्मोनिक से H और मोशन से M, तो इसको हम SHM भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम प्रॉपर्टी, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, हर पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम रहेगा, हर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब एम्पलीट्यूड पीरियड और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, तो यहां पे जब आप स्क्रीन पे देखोगे ना
तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है आपको, 1 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्टिकल्स आर 1 सेंटीमीटर, मतलब मेन पोजिशन से कितना ऊपर जा रहे हैं, 1। तो मैं अगर यहाँ पे 0 रख देता हूँ स्केल का, तो ये कितने ऊपर तक जाएंगे, 1 सेंटीमीटर तक, और वो 1 सेंटीमीटर पे दूसरी स्केल है। तो जब आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो हर पार्टिकल 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा और रिटर्न आ रहा है मीन पोजिशन से। इनिशियली पार्टिकल कहां पे थे, मीन पोजिशन पे थे जब वेव सेट हुई, तो हर पार्टिकल देखो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और रिटर्न आ रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल करने वाला है। ये देखो अभी मैं स्केल का 1 क्या किया हूं, कोइंसाइड किया हूं मीन पोजीशन से, मतलब ये 1 है ये मीन पोजीशन, तो 1 सेंटीमीटर यहां पे हुआ। तो दूसरी स्केल लगा दिए, सब पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, सब पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में भी। तो मीन पोजीशन से जितना ऊपर जाते हैं पार्टिकल उतना ही नीचे आते हैं, और यहाँ पे कितना ऊपर जा रहे और कितना नीचे आ रहे, 1 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे हर पार्टिकल का वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 1 सेंटीमीटर। देयर टाइम पीरियड इज ऑल्सो सेम। वॉट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। अब ये क्या है, ग्रीन पार्टिकल ना, एक वाइब्रेशन कब होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट से अभी स्टार्ट होगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होके कहां जाने वाला है, मेन पोजीशन पे, फिर वो मेन पोजीशन से फिर नीचे आएगा, फिर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर रिटर्न। तो ये पॉइंट पे वापस जब ये आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, 1 वाइब्रेशन हो गया। तो ये पार्टिकल को जितना टाइम लगने वाला है 1 वाइब्रेशन करने के लिए, उतना ही ये सेकंड ग्रीन पार्टिकल को टाइम लगेगा, उतना ही ये थर्ड ग्रीन। जितने भी पार्टिकल्स देख रहे हो ना आप, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, सबको 1 वाइब्रेशन करने उतना ही टाइम लगेगा। आप देखो अच्छे से, कोई पार्टिकल ये अगर 1 कर रहा है तो इसके बाजू वाला 4 बार वाइब्रेट हो गया क्या? ऐसा हो रहा है क्या? सब पार्टिकल सेम नंबर ऑफ वाइब्रेशन करने वाले हैं और वो वाइब्रेशन सब सेम टाइम में। अगर ये 1 वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो ये वाला ग्रीन पार्टिकल 5th वन, ये भी क्या कर रहा है, 1 वाइब्रेशन 2 सेकंड में कर रहा है। इसको ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड में ये 4 बार वाइब्रेट हो गया, इसको भी कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड ही लगेगा 1 वाइब्रेशन करने। ये वाला ग्रीन पार्टिकल इसको देखो, इसको भी कितना लगेगा, 2 सेकंड ही लगेगा 1 वाइब्रेशन करने के लिए। तो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और द टाइम टेकन बाय द ईच पार्टिकल ऑफ दिस वेव टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन विल बी सेम। सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, सब उतना ही टाइम लेने वाले हैं 1 वाइब्रेशन करने के लिए। समझ में आया? तो सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सबका एम्पलीट्यूड सेम है, सबका टाइम पीरियड सेम है, और सबकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है। उसके बाद थर्ड, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम वाइल एट द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ वाइब्रेशन। तो क्या बोला है यहाँ पे, कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं रहेगा परमानेंटली, बट ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल थोड़े वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा, रेस्ट में आता है, वेर, एक्सट्रीम पोजिशन पे। तो ये एक्सट्रीम पोजिशन में रेस्ट में आ गया, कैसे समझ में आएगा? तो फिर से क्या देखते हैं हम, यही एनिमेशन देखते हैं। अब ये क्या हो रहा है, पार्टिकल्स आर कवरिंग 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर मेन पोजिशन। मेन पोजिशन से पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 1।
तो ये जो 1 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस है ना, दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजिशन। ऊपर भी आप 1 सेंटीमीटर एक्सट्रीम, नीचे भी आप जाओगे तो ये जो पोजिशन है पार्टिकल की, दिस इज एक्सट्रीम पोजिशन। तो पार्टिकल रिटर्न जा रहे हैं, कहां से रिटर्न जा रहे हैं? सब पार्टिकल्स जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस जाते हैं ऊपर। तो ये जो 1 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस है ना, ये जो स्केल लगा के रखे हैं हॉरिजॉन्टल, दिस इज द बाउंड्री। ये बाउंड्री एक कौन सी पोजिशन है? एक्सट्रीम। एक नीचे साइड है एक्सट्रीम पोजिशन और एक ऊपर की तरफ है, ये भी क्या है? एक्सट्रीम पोजिशन है। तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन से नीचे आते हैं, जब वो टर्न लेते हैं ना, जैसे ही एक्सट्रीम पोजिशन पे पहुंचते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो क्या होते हैं? रेस्ट में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप एक पॉइंट से वापस आ रहे हो, आप एक बॉडी को ऊपर थ्रो करो अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, एक बॉल लो और उसको ऊपर हवा में उछालो, तो वो थोड़ी देर बाद नीचे आने वाला है। बट वो जो पॉइंट से नीचे आ रहे हैं ना, जो पॉइंट से रिटर्न आ रहे हैं, वो पॉइंट पे वो बॉल क्या होने वाला है? थोड़े टाइम के लिए रुकने वाला है, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो हम ये भी कंसिडर करते हैं, दिस स्पीयर्स आर बॉल्स, क्या कि हम इनको अपवर्ड डायरेक्शन में उछाले। तो ये जब सबसे टॉप पोजीशन पे, जहां से पॉइंट ऑफ रिटर्न, ये पॉइंट से ये रिटर्न आने वाले हैं, तो जब ये रिटर्न आने लगेंगे ना, तो वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ये क्या करने वाले हैं? रुकने वाले हैं। और एक चीज बोला है थर्ड प्रॉपर्टीज में, नो पार्टिकल्स आर एट रेस्ट परमानेंटली। परमानेंटली कोई भी रेस्ट में है क्या? पूरी ये जो स्ट्रिंग है, वेव आगे प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेसिव वेव है ये मीडियम के पार्टिकल्स, एक भी पार्टिकल्स आपको रेस्ट में दिख रहे हैं? परमानेंटली कोई रेस्ट में नहीं दिख रही। बट एक्सट्रीम पोजिशन पे, व्हेन दे विल रीच द एक्सट्रीम पोजिशन, दे आर गोइंग टू स्टॉप फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बट परमानेंटली कोई भी रेस्ट में नहीं रहेगा। गेटिंग इट? तो हम क्या बोलेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। परमानेंटली कोई भी रेस्ट में नहीं रहेगा, बट ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम व्हाइल एट द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ वाइब्रेशन। तो व्हेन दे विल रीच द एक्सट्रीम पोजिशन, तो व्हेन दे विल रीच द एक्सट्रीम पोजिशन, दे आर गोइंग टू स्टॉप फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। बहुत कम टाइम के लिए क्या हो जाएंगे? वो रुक जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पासेस थ्रू देयर मेन पोजिशन। अब इससे पहले वाली प्रॉपर्टीज में क्या बोला है? दे आर गोइंग टू स्टॉप फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल व्हाइल एट एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम पोजिशन पे वो रुकते हैं, बट मेन पोजिशन पे उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। व्हेन दे विल बी एट देयर मेन पोजिशन, देयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो यहां पे क्या करते हैं, ये देख लेते हैं एनिमेशन। तो ये एनिमेशन में ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है मिडल में, दिस इज योर मेन पोजिशन। व्हाइल पासिंग थ्रू दिस मेन पोजिशन, द पार्टिकल विल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो एट मेन पोजिशन देयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, व्हाइल एट एक्सट्रीम पोजिशन देयर वेलोसिटी इज जीरो। तो वी विल से दैट व्हेन पार्टिकल्स विल बी एट एक्सट्रीम पोजिशन देयर वेलोसिटी इज जीरो, बट व्हेन दे पासेस थ्रू देयर मेन पोजिशन देयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो वॉट वी हैव लर्न इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, वेव मोशन इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। व्हाइल एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ मीडियम टू अनदर पार्ट ऑफ अ मीडियम, बट
देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर. तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन यही पढ़े है ना हम, वॉट इज वेव मोशन. तो इसका आंसर ही है, वेव मोशन इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ अ मीडियम. इट इज द एनर्जी विच इज गोइंग टू ट्रांसफर, नॉट द मैटर और नॉट द पार्टिकल. यहाँ पे जब देखोगे आप ये सिमुलेशन, तो इसमें क्या हो रहा है ट्रांसफर, स्टार्ट से देखते हैं. ये देखो ये जो आगे बढ़ रहे हैं ना, दिस इज द डिस्टर्बेंस, दिस इज नथिंग बट द एनर्जी विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट से राइट में क्या गया, एनर्जी गई. अब ये ग्रीन पार्टिकल को देखो, ये आगे बढ़ा क्या, ये ग्रीन पार्टिकल अपनी जगह पे है. तो वेव मोशन जो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़े है, फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़े है, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव, ड्यूरिंग द वेव मोशन इट इज द एनर्जी विच इज बींग ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ मीडियम टू अनदर, नॉट द पार्टिकल. पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे, दे आर गोइंग टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट एनर्जी इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड ऑफ अ मीडियम टू अनदर एंड. नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी, द वेव प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम विथ अ सर्टन वेलोसिटी. दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. तो वेव जो है ना वो अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करती है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल वेव. इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या था, मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड अ पार्टिकल. पार्टिकल रहेगा, मटेरियल मीडियम रहेगा, तो मैकेनिकल वेव ट्रेवल करेगी, और अगर वैक्यूम रहेगा तो मैकेनिकल वेव नहीं ट्रेवल करेगी. तो पार्टिकल्स होगा, मीडियम होगा, तो ये वेव ट्रेवल करने वाली है. और ये वेव की वेलोसिटी ना डिपेंड करती है पार्टिकल्स पे, डिपेंड करती है मीडियम पे. मीडियम चेंज होगा तो पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन चेंज होगा, पार्टिकल्स के नंबर चेंज होंगे. फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ सॉलिड, सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, क्लोज होंगे. लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रहेंगे एज कंपेयर टू सॉलिड, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा. और अगर इट इज अ गैशियस मीडियम, गैशियस मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कम हो जाएंगे. तो जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है ना, ये लिक्विड सॉलिड गैसेस, वैसे वैसे वेव जो ट्रेवल करने वाली है वो मीडियम में से, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी. तो हम क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, वेदर इट इज अ सॉलिड, वेदर इट इज अ लिक्विड और इट इज अ गैशियस मीडियम. इफ we will change the medium, velocity of the wave is going to change. Velocity क्या होने वाली है, change होने वाली है. Solid में उसकी कुछ अलग speed रहेगी, liquid में वो speed change हो जाएगी, और gaseous medium में और change. अब liquid भी अलग अलग type को होता है, milk है, denser, उसकी density ज्यादा है, water है, तो यहाँ फिर से medium change हो गया है ना. तो steel है और glass है, दोनों solid है, तो ये मीडियम स्टील में वेलोसिटी कुछ अलग रहेगी, ग्लास में वेलोसिटी कुछ अलग रहेगी. वाटर लिक्विड में, वाटर और हनी दोनों में वेलोसिटी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है. गैसियस मीडियम में अलग अलग गैस चैम्बर ले लो, एक चैम्बर में हाइड्रोजन गैस है, एक में नाइट्रोजन. मीडियम चेंज हो गया, एक में हाइड्रोजन गैस, एक में नाइट्रोजन, दोनों में वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होने वाली है. मीडियम जहां चेंज किए, वेव की वेलोसिटी चेंज होगी. द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 5 मिनट बचा है, ये फटाफट अपन समझ लेते हैं प्रॉपर्टी. प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ टू टाइप, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव. यही पढ़ रहे थे हम इंट्रोडक्शन पार्ट में, बहुत डिटेल में पढ़े है कि प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप की है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्जिट्यूडनल. ये अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले भी मैं बोला हूं. एट, इन अ ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड प्रोड्यूस क्रस्ट एंड ट्रफ. बहुत अच्छे से हम समझे इसको,
कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है, जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम में ट्रैवल करती है तो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो अप एंड डाउन हो रहा है, राइट? पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एंड वेव इज ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये देखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? एंड द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर अप एंड डाउन. तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपगेशन दोनों परपेंडिकुलर है. इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव. ये देखो, रोप में वाइब्रेशन कैसा हो रहा था, अप एंड डाउन, और वेव कैसे ट्रैवल कर रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो ये एरो और ये एरो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी ब्लैक एरो है. ये ब्लू एरो क्या है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल. जब ये दो एरो के बीच का आप एंगल मेजर करोगे 90, मीन्स दे आर परपेंडिकुलर. इफ दे आर परपेंडिकुलर इट इज ट्रांसवर्स वेव. लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. जो डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, दिस एरो इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी. दिस एरो इज शोइंग इन द डायरेक्शन, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग. तो दीज टू एरोज आर इन पैरेलल पोजिशन. तो विल से दैट दिस इज योर लॉन्जिट्यूडनल वेव. वेन लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोड्यूसेस इन अ मीडियम, मीडियम इज अल्टरनेटली डिवाइडेड इन टू कॉम्प्रेशन एंड रेरिफेक्शन. क्राउडेड रीजन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन. सेपरेटेड रीजन को क्या बोलते हैं, रेरिफेक्शन. ये बहुत अच्छे से समझे हम इंट्रोडक्शन पार्ट में. बोथ वेव मीन्स ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल. 10th प्रॉपर्टी, लास्ट वन. हा, अभी टाइम है नहीं, कभी भी विंडो क्लोज हो सकता है. मैकेनिकल वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड बट ओनली लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन प्रोपगेट थ्रू फ्लूइड्स. बोथ मतलब ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड. सॉलिड में से दोनों, ट्रांसवर्स भी पास होगा और लॉन्जिट्यूडनल वेव, दोनों वेव सॉलिड मीडियम में से जाने वाली है. बट लिक्विड, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस. मोस्टली लॉन्जिट्यूडनल वेव ही लिक्विड और गैसेस में से ट्रेवल करती है. तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड में से, मोस्टली मेनली ट्रांस